बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर में डायरिया फैलने का समाचार प्राप्त हुआ है। डियारा सेक्टर के वार्ड नंबर 9 के लगभग 3 दर्जन परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं कुछ लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कर दिया गया है। सूचना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और वहां पर लोगों को डायरिया के बारे में भी जागरूक किया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने यहां पर पानी गंदा आने की सूचना कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन को दे रखी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते यहां पर अब ये बीमारी गंभीर रूप धारण करने लग गई है। जानकारी के अनुसार टीम को डायरिया फैलने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद 2 विशेषज्ञों की टीमें मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग ने तैनात की। टीमें लोगों के घरों में जाकर पानी से लेकर लोगों के स्वास्थ्य तक की जांच करने में जुट गई हैं। साथ ही टीम शाम के समय नगर के डियारा सेक्टर में पानी के सैंपल भी एकत्रित करेगी, क्योंकि टीम के विशेषज्ञों का कहना है कि शाम के समय ताजा पानी की सप्लाई होती है, जिसके चलते पानी की गुणवत्ता जांच करने के लिए सैंपल लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इन 3 दर्जन परिवारों में से 5 से 6 लोग जिला अस्पताल में भर्ती किए गए थे। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार भी बताया जा रहा है, परंतु स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ भी भारी आक्रोश देखने को मिला है, क्योंकि जब कुछ दिन पहले ही जब स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी थी, तो फिर प्रशासनिक अमला किस बात का इंतजार कर रहा था? ये सवाल जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि सुबह ही स्वास्थ्य विभाग को फोन के माध्यम से डायरिया फैलने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से टीमों का गठन करके मौके स्थल पर जांच की जा रही है। वह स्वयं उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे। लोगों को ORS के कैपेट सहित दवाइयां भी वितरित की गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पानी को उबाल कर पिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। आज सुबह तकरीबन 9 बजे हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को ये पता चला था कि डायरा सेक्टर में कुछ है, किस रात को यहाँ हॉस्पिटल में आए थे और उनको डायरिया वॉमिटिंग की शिकायत थी। तो जब उन्होंने कन्फर्म किया तो 4-5 केस यहाँ हमें पता लगा आए हैं, और उसी को देखते हुए फिर आगे के लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है और 2 मेडिकल ऑफिसर्स उनकी ड्यूटी लगाई कि जाके वो कन्फर्म करें। तो उन्होंने कन्फर्म किया कि डेरा सेक्टर है जो वहाँ पे कुछ केसेस हैं, तो डाइटे या पेट में या नोजिया और वॉमिटिंग मिले। तो जब हमने ये देखा कि यहाँ केसेस हैं, तो उसी को देखते हुए उन्होंने दोनों जो मोज हैं मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी जो उनको बना के उनकी लीडरशिप में टीमें बना दी हैं, और 4 या 5 टीम्स हमारी इस समय काम कर रही हैं जो घर घर जाके लोगों को जागरूक तो कर ही रही है, लेकिन दवाई और ORS के पैकेट भी बांट रहे हैं और लोगों को उससे डायरिया और डायसेंट्री करने जो है वो उपाय बता रहे हैं। जागरूक तो कर ही रही है, लेकिन दवाई और ORS के पैकेट भी बांट रहे हैं और लोगों को उससे डायरिया और डायसेंट्री करने जो है वो उपाय बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे हेल्थ एजुकेटर और मास मीडिया के ऑफिसर होते हैं, वो भी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, 2-3 दिन का टाइम नहीं देता है, तो इसकी फाइनल रिपोर्ट है, शाम तक पता चलिए कि कितने केसेस हम मिलते हैं। लेकिन ये है कि जितने भी अभी पता चला उनमें से सीरियस कोई नहीं है, सारे जो सिचुएशन कंट्रोल